शहर के वायु गुणवत्ता सुधार, भूजल स्तर में वृद्धि, स्थानीय जैव विविधता का संरक्षण, आदर्श तापमान एवं हरियाली आच्छादित क्षेत्रों में वृद्धि के उद्देश्य से इंदौर स्मार्ट सिटी द्वारा वृहद वृक्षारोपण मुहिम चलाकर अहिल्या वन विकसित किए जा रहे हैं, जिनका नाम देवी अहिल्याबाई होलकर को समर्पित है, जिन्होंने अपने शासन काल में हरित क्षेत्रों के विकास हेतु विशेष योगदान दिया था। इंदौर स्मार्ट सिटी द्वारा सर्वेक्षण करवाकर शहर के सभी 19 जोन एवं 85 वार्ड्स में औसतन 5 स्थानों को चिन्हित किया गया है, जहां सघन वन क्षेत्रों के रूप में 400 अहिल्या वनों का विकास किया जा रहा है। प्रथम चरण के अंतर्गत 100 ऐसे स्थान चिन्हित किए गए जो कि वन के रूप में विकसित होकर भविष्य में शहर में कार्बन उत्सर्जन को कम कर पर्यावरण सुधार में योगदान दे सकें। इन स्थानों पर स्थानीय निवासियों, जनप्रतिनिधियों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा EFI साइंस इकोटेक फाउंडेशन जैसी संस्थाओं के सहयोग से वृक्षारोपण किया गया व पौधों की नियमित देखरेख हो सके इसलिए जिम्मेदारी ली गई। स्थानीय नर्सरी संचालकों को मुहिम में शामिल किया गया, जिससे उचित दामों पर पौधे प्राप्त हुए तथा स्थानीय अनुकूलता के पौधे रोपे गए, ताकि स्थानीय वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित हो सके। इंदौर स्मार्ट सिटी द्वारा विकसित किए गए स्लज हाइजीनेशन प्लांट से प्राप्त उन्नत खाद को निशुल्क प्राप्त कर इन वनों में उपयोग किया जा रहा है। इन स्थानों को कुएं, बावड़ियों, उपचारित पानी की लाइनों, बोरवेल व नर्मदा लाइन्स आदि से पाइपलाइन बिछाकर जोड़ा गया तथा बाउंड्री वॉल व तार फेंसिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। इन अहिल्या वनों में कंक्रीट के उपयोग को कम करते हुए सैर के लिए कच्चे पाथवे व गजीबो बनाकर इन्हें शहर के नागरिकों को समर्पित किया गया। प्रथम चरण में 1,00,000 से अधिक पौधे रोपकर लगभग 1,50,000 वर्ग फीट उपयोगी व अनुपयोगी भूमि पर शहरी वन क्षेत्र विकसित किया गया। इंदौर शहर के रहवासियों ने इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अधिकांश अहिल्या वन मियाबाकी तकनीक द्वारा विकसित किए गए हैं, जिनकी सतत निगरानी के लिए अंकुर एप्लीकेशन का उपयोग करते हुए सभी पौधों को जियो टैग किया गया है। इन अहिल्या वनों में स्थानीय रहवासी स्वास्थ्य लाभ के लिए रोजाना घूमने एवं व्यायाम करने आ रहे हैं। अहिल्या वनों को नर्चरिंग नेबरहुड कार्यक्रम से भी जोड़ा गया है। अहिल्या वन के अलावा शहर की नदियों पर स्थित सभी पुलों पर वर्टिकल गार्डन्स भी विकसित किए गए हैं, जिससे शहर की सुंदरता में वृद्धि के साथ ही नदियों में प्रदूषण रोकने व वायु गुणवत्ता सुधार में ये वर्टिकल गार्डन्स कारगर सिद्ध हो रहे हैं। ये पर्यावरण हितैषी नवाचार शहर के सौंदर्यीकरण व नागरिकों को शुद्ध वातावरण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।